लोकसभा चुनाव का दौर शुरू होते ही पार्टियां बदलने और जोड़ तोड़ के समीकरणों का मौसम भी शुरू हो गया है। जैसे ही बीजेपी पंजाब के अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बयान आया कि पंजाब में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, साथ ही कांग्रेस पार्टी को उस समय बहुत बड़ा झटका लगा जब लोकसभा मेंबर रमणीत सिंह बिट्टू भाजपा में शामिल हो गए। रमणीत बिट्टू लुधियाना से कांग्रेस के एमपी हैं और कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। भाजपा के जनरल सेक्रेटरी ने उनको पार्टी में शामिल करवाया। इस मौके पर भाजपा में शामिल होने पर रमणीत बिट्टू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का धन्यवाद किया, जिन्हें उन्होंने भाजपा में शामिल होने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि मैंने पंजाब में बहुत बुरे हालात देखे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जो कमियां रह गई हैं वो उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाली सरकार मोदी सरकार ही होगी और हम पंजाब और पंजाब के किसानों के लिए केंद्र सरकार के साथ एक पुल की तरह काम करेंगे। बता दें कि रणजीत बिट्टू 3 बार लोकसभा चुनाव लड़े और तीनों बार ही विजयी रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।